हाल ही में हुए भारत चीन संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां तैनात बिहार रेजिमेंट की सराहना करते हुए उनके शौर्य और पराक्रम का अभिवादन किया है। आप जब बिहार सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? जो भी आता है वो दरअसल बिहार नहीं, आपके इंटेलेक्ट के स्तर को बताता है। गौरतलब है कि ये राजनीति ही थी जिसने बिहार को एक बीमारू राज्य और बिहारी शब्द को एक गाली जैसा बना दिया था। दशकों तक चले इस राजनीतिक दौर में बिहार जैसे खुद पर गर्व करना ही भूल गया था। खैर, तो आज बात करते हैं बिहार रेजिमेंट की। इस बिहार रेजिमेंट ने देश को शत्रुओं से सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इतिहास के पन्नों को अपने शौर्य और पराक्रम के किस्सों से भर दिया है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर यानी BRC पटना के दानापुर कैंटोनमेंट में स्थित है और देश की सबसे प्राचीन छावनी है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज और इसका एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य भी बिहार रेजिमेंट से ही अफिलिएटेड है। बिहार रेजिमेंट के पास 4 राष्ट्रीय राइफल्स बैटालियन भी हैं जो भारतीय सेना के सभी रेजिमेंटों में सबसे अधिक है। ये रेजिमेंट बजरंग बली की सेना और बिरसा मुंडा की सेना के नाम से भी जानी जाती है। बिहार रेजिमेंट का गठन 1941 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। उस समय भी बिहारी सैनिकों को बहुत सम्मानित किया जाता था। अपने शौर्य और शक्ति के लिए जाने जाने वाले बिहारी सैनिकों की ईस्ट इंडिया कंपनी में खूब मांग थी। इन सैनिकों की विशेषता थी कि अनुशासित होने के साथ ही जब इनकी मान्यताओं और रीति रिवाजों की अवहेलना की जाती थी तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने में भी ये सक्षम थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले बिहारी सैनिक ही थे। तब से अपनी युद्ध क्षमता और उससे होने वाली क्षति के डर से अंग्रेजों ने बिहार की सभी 18 बैटालियन को भंग कर दिया और राज्य से सभी भर्तियों को रोक दिया गया। बाबू कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा स्वतंत्रता संग्राम के दो महान सेनानी थे। बाबू कुंवर सिंह 1857 के नायकों में से एक थे, वहीं बिरसा मुंडा वर्तमान झारखंड के मुंडा जनजाति के थे जिन्होंने अंग्रेजों को कठिन समय दिया। बिहार से सैनिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक बार फिर से शुरू हुई और वे 19वें हैदराबाद रेजिमेंट में शामिल हो गए। इस बैटालियन को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2 बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया था। रेजिमेंट ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भी भाग लिया और सौंपे गए कार्यों को सराहनीय तरीके से पूरा किया। पहली बैटालियन बिहार रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में भाग लिया था। कारगिल युद्ध में वन बिहार ने थारू के जूबर हिल को पुनर्प्राप्त किया था, जिसके लिए यूनिट को 26 गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में भी बिहार रेजिमेंटों को तैनात किया गया है। वन बिहार शांति मिशन में भाग लेने वाली पहली बिहार बैटालियन थी। बैटालियन को सोमालिया में 1993-94 में तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, बिहार रेजिमेंट को अब तक 7 अशोक वीर चक्र, 9 महावीर चक्र, 49 वीर चक्र, 70 शौर्य चक्र और 448 सेवा मेडल जैसे अन्य अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार रेजिमेंट के विजय मंत्र कर्म ही धर्म है के साथ मैं हरगुण कौर आपसे विदा लेती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही जोरदार जानकारियों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करिए। राम राम।